सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की क्या क्या हमारे साथ और छोटे छोटे आपको बुलाया गया। आज हमारी पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबू जी धर्मेंद्र साहब श्याम रंजन जी भाई रंजन जी विष्णु पटेल जी आलोक मेहता जी हम सब लोग बैठ करके चर्चा कर रहे कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर गरीबों का ऊंच नीच का काम कर रही लगातार पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस की कीमतें जो है लगातार आसमान छूती जा रही है और इस समस्त तो महंगाई के कारण आम लोगों का जीवन जो है वो मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। इसको लेकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है बैठक की है कि आने वाले जो 18 तारीख को आने वाले 18 तारीख को सभी विभाग के सभी प्रखंडों में इसका हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और आने वाले 19 तारीख हर जिला मुख्यालय में सभी हमारे साथी मिलकर के इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। यही मौजूदा सरकार जो है अरविंद जी की सरकार जो है सत्ता में आने से पहले कहा करते थे कि अच्छे दिन आएंगे महंगाई को खत्म करेंगे। आज देखते थे हर एक चीजों की कीमतें जो है बढ़ती जा रही है, लोग जो है परेशान कर रहे हैं। कोरोना काल में इन लोगों का जो है मुश्किल से जो है लोग घर चला पा रहे हैं, कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कई दुकानें कम पड़ गई हैं और ऐसे दौर में जहाँ कच्ची तेल की कीमतें प्रति बैरल जो डॉलर होता है वो सस्ता है और लगातार जो है कीमतें पेट्रोल के हो डीजल के हो वो बढ़ रहे हैं। आप सब लोगों को पता है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं और एक चीजों का कीमत जो है वो स्वाभाविक रूप से वो बढ़ता है। ये दो लोग अच्छे से ला रहे थे लोगों के बुरे दिन लाने का काम किया है लोगों ने जनता का अनुमान का अनुमान कर रही है और ऐसे दौर में सड़क से लेकर सदन तक हम लोग जनता के आवाज को बल देने का काम करेंगे और हर एक जगह उसके आवाजों को उठाने का काम और हम लोगों की मांग भी रही कि सरकार जो है जल्द से जल्द पेट्रोल हो डीजल हो एलपीजी गैस के दामों का या खाद के दामों का इनके जो आसमान छूती जा रही है, किसान परेशान है, तबाह हो चुका है, इन सारी कीमतों का जो दाम जो है दिया जाए और यही देश जनता भी चाहती है। इस दौर में जहाँ इलाज को लेकर के लोगों का खर्चा बढ़ता जा रहा है, बोझ बढ़ता जा रहा है, भार बढ़ता जा रहा है और एक लोगों के खाने पर भी जो है मुसीबत आ गई, तो इसलिए हम सब लोग मिलकर के ये करता है कि 18 तारीख को सभी कटकट लें और आने वाले 19 तारीख को सभी जिला मुख्यालय में हम लोग इसका इस सवाल को लेकर के अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है आप अकेले रहेंगे या विपक्ष से समान पार्टियां रहेंगे? नहीं, इसमें सब लोगों को निमंत्रण दिया गया है छुट्टी के लिए अपने सभी जो हमारे प्रदेश के साथी हैं उन सभी साथियों को जिला अध्यक्ष है उनको सूचित करेंगे इन्विटेशन। अरे नाम आप देखिए ना वो काला दिन था कि पहली बार देश के किसी विधानसभा में इस तरह की घटना जहां विधायकों को
महिलाओं का जो है झोटा पकड़ पकड़ के सारी कोर्ट कोर्ट के हाथ के बाहर फेंका गया, दूर से फेंका गया, धरती धरती गालियां गिर गई महिलाएं को। हमने तो विधानसभा अध्यक्ष को हमने चिट्ठी लिखा है, सभी विधायकों से हमारी बात की धैर्यवाद जो डरे हुए सहरे हुए कि भाई जनता का सवाल उठाने गए हैं और वहाँ लाख टूटे घंटे पड़ रहे हैं उठा करके फेंका जा रहा है, गालियाँ कहीं जा रही है, तो इस विषय में आपकी कोई जांच की होगी तो उसका क्या रखी जा रहा है, क्या विधायकों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए कि होनी चाहिए विधानसभा अगर ऐसी घटना होती है, तो इसको लेकर के हम लोग जो है आने वाले 25 तारीख को सभी महागठबंधन के जितने विपक्ष के दल हैं उन सब नेताओं का हम लोग बुला करके हम लोग बातचीत करेंगे कि हमारा जो मानसून सत्र आने वाला है जो कि केवल 4 दिन होता है उसमें हम लोग क्या और यदि बड़ी घटना होगी एक काले दिन के रूप में लोग याद करते हैं, जनता के सवाल उठाने पर जो है विधायकों को पीटा गया सदन, नौकरी के सवाल पर सड़कों पर पुलिस के पत्थर करने पर सारे 307 मुकदमा किया, तो ये साफ तौर पर यह दिखाता है कि सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सरकार नहीं चाहती कि कोई जो है खड़ा होकर के नजर जाए सवाल सरकार से पूछे या मांग करे या उनके वादे को याद दिलाए कि सरकार किस लिए चाहती, सरकार के मुख्यमंत्री जो है 6 जीवन अपना बीत जाए इसी में वो रखे रहे अच्छे से कर रहे, बिहार और बिहारियों की चिंता नहीं है उनको, केवल अपनी कुर्सी की चिंता है, जल जाहिर हो चुका, ये किसी से छुपा के नहीं, और इस बात को गलत फैलाना आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के बीच में पितामह है, लगातार 60-70 घोटाले होते हैं किसी पे जांच कार्रवाई नहीं की जाती, केवल छोटे मोटे को जो है पकड़ा जाता है, लेकिन बड़े अधिकारी हो मंत्री हो जब उन्हीं के मंत्री सवाल उठाते हैं उन्हीं के पार्टी के मंत्री नीतीश कुमार जी के प्रधान सचिव को सवाल उठाते हैं तब कोई जांच नहीं हो, तब कोई कार्रवाई नहीं हो, बीजेपी का विधायक अपने मंत्री को कहता है कि 80% जो मंत्री है वो भ्रष्टाचारी है, बिना पैसे के लिए हुए तो तबादला नहीं करते, फिर भी नीतीश कुमार जी कार्रवाई नहीं करता भाई क्यों नहीं कर, अब क्या बात की जाएगी, आपके मंत्री आपके एमएलए कह रहे हैं और आप जो है मोनी बाबा बने मुंह में दही जमा करके बैठ गए, क्या हो क्यों नहीं आपकी कार्रवाई की जाती है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि नीतीश जब मुखिया है चोर दरवाजे से आकर के जो बने हैं वही भ्रष्टाचार के बीच में पितामह है तो और लोग पर क्या करवाए थे, वो तो संरक्षण दे रहे और ये सब बिहार में लगातार चलता है, अब तो ऐसा लग रहा है बिहार सरकार परंपरा बना ली कि बिना आरक्षित टैक्स के बिना घुसखोरी के ब्लॉक चले जाइए थाने चले जाइए बिना घुस के कोई काम ही नहीं हो सकता, नीचे से ऊपर तक ये ट्रेडिशन हो गया, यही है नीतीश जी के सुशासन का विकास का फॉर्मूला, राष्ट्र बनिए घुसखोर बनिए तो आप टिके रहिए, ईमानदार रहिए सच बोलिए यही नीतीश जी का कौन क्या करता है, जब तक ये विषय जब तक आया नहीं तब तक
पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जनता के वादों को खाने का काम करेंगे। आने वाले 18 तारीख को सभी प्रखंड में और आने वाले 19 तारीख को जो सभी जिला मुख्यालय में अपने लोग जो है उसका सवाल है बीजेपी का पूजा का पूजा जो टीम है सड़कों पर आ गया बड़े बड़े विमान प्रदर्शन किया करते हैं और वो भी तब जब कच्ची तेलों की दाम जो है मोदी सरकार नहीं है ये सरकार जो है केवल चंद लोगों की सरकार है केवल पूंजीपतियों की सरकार है ये जनता की सरकार नहीं ये अच्छे दिन केवल चंद लोगों के लाने का काम करते हैं देश की जनता के लिए। जनसंख्या को लेकर क्या कहेंगे सर जनसंख्या को लेकर सवाल उठे हैं नीतीश कुमार कुछ और कह रहे हैं उनके मंत्री कुछ और कह रहे हैं अरे समस्या अब तो डबल इंजन की सरकार है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन लेकिन कहा शुरू हो ये तो पूरी तरीके से दो सरकार जो है फेल हो चुकी है बिहार बिहार के लोगों को उनकी चिंता नहीं है ये फाइनेंशियल इश्यूज है नेपाल से जो है मामला है और भारत ने नेपाल से रिश्ते जो है वो खराब कर दिए है सबको पता तो इसमें हमको लगता है कि सरकार को थोड़ा गंभीर होकर के कॉमनेंट भविष्य के बारे में सोचना चाहिए हर साल का ये समस्या हम लोगों का रहता है चाहे राज्य सरकार के लोग चाहे भारत सरकार के लोग अब पता नहीं राज्य सरकार के लोगों ने भारत सरकार के लोगों से उसके बाद बात की है क्या वो करते जा रहे हैं कई बार जो है प्रका वार्ता भी जो है लोगों ने उठाने का काम किया है मुद्दे लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन जो है इसमें आया नहीं। नहीं समझना तो सीधे सीधे बोल देना जगदीश बाबू जी से नहीं समझ मेरा नाम सुनिए कि मुख्यमंत्री के बाबू ऐसा ऑर्डर निकाल दे बैठ जाए तब से समस्या का हल मदद क्या हम लोग देखे नहीं मुख्यमंत्री नाम पे घूमे हैं क्या पिछले बार हम लोग तो पूरा मधुबनी के इलाके में हम लोग जाकर के पूरा घूम कर के आए हैं नाम हवाई संरक्षण खाली कर रहे हैं पर पानी का तो देखिए कितना पानी है हवाई का कहां पानी है पिछले बार जब गंडक का पानी जब आया था आपका गोपाल है जिससे सत्तर घाट का डैम टूटा ये डैम के हजार रुपये हमें टूट गया वो बच गई है कहाँ गए थे जब आपको बताइए पानी तो उतरे हैं देखना किसको चाहिए जो बयान भी सब है वो लोग अपने घर में बैठ के बयान दे रहे हैं सलाह दे रहे हैं या वो लोग वोट कर दिया जरा उनसे भी तो सवाल ये सब बकवास खाते करता कुछ है इतना इनके पास कहने के लिए और ये तो अजीब परंपरा बनती जा रही है कि सत्ता से सवाल मत पूछो विपक्ष से पूछो कि विपक्ष क्या कर रहा अरे विपक्ष तो आवाज उठाए में लोगों के आपके सामने समस्या रखेगा कि ये लोगों की परेशानी है इसका निदान कीजिए परेशानी तो ऑलरेडी सरकार के सामने है बाढ़ है बेरोजगारी है महंगाई है किसानों का एमएसपी नहीं है ये है कि पटना में मंत्री
मीटर का डिप्टी सीएम का आवाज रुक जाता है जब बारिश में, तो उसका क्या हल निकालने की हमको जाके देखना चाहिए डिप्टी सीएम का घर, मंत्री जी का घर, क्योंकि घर डूब रहा है नेता प्रतिपक्ष थोड़ा घूम के आ जाता है घर, तो हम पानी जाके निकाले कौन निकाले कौन काम करे जागरूक करने की जरूरत है, मुझे लगता है महिलाओं को बढ़ाकर जागरूक करने की शराबबंदी पर कानून लागू कर देते हैं, क्या शराबबंदी पर कानून जरूरी है और जनसंख्या पर कानून जरूरी नहीं है? लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।